छतरपुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम राधे नगर के करीब आधा सैकड़ा स्कूली छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन देकर आवागमन के लिए रास्ता मांगा है। कलेक्टर ने बच्चों की समस्या को गंभीरता से सुनकर शीघ्र ही मार्ग की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया है और SDM को कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ग्राम राधेनगर की छात्रा ऋतु शर्मा ने बताया कि रसोईया होते हुए उसके गांव तक जाने वाले मार्ग पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है और उनके द्वारा लोगों को मार्ग से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। दूसरे गांव से होते हुए वे छतरपुर पहुंचते हैं। मार्ग की समस्या के चलते स्कूलों में पढ़ने वाले गाँव के बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। बच्चों का ज़्यादातर समय आवागमन में गुजर जाता है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कलेक्टर को आवेदन देकर छात्र छात्राओं ने मार्ग की व्यवस्था कराने की मांग की है। इस संबंध में SDM बलवीर रमण ने बताया कि चूंकि रसोईया से होकर राधेनगर जाने वाला मार्ग कुछ लोगों की निजी भूमि पर बना हुआ है जिस कारण से उनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में जो प्रकरण सिविल कोर्ट में था उसमें भू स्वामियों की जीत हो चुकी है। ऐसे में हम उन्हें रास्ता देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। फिलहाल राधेनगर आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। ना ही हम लोगों को निकलने के लिए बहुत परेशान है, दिक्कत है कॉलेज जाने स्कूल जाने के लिए हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी जगह हम लोगों ने सुनवाई करी, आप 20 साल से हम लोगों को रोड नहीं मिला, हम किसी की डिलीवरी होने या किसी औरत की तो कहाँ से जाएं? यदि किसी बच्चे को कोई बीमार पड़ गया, कोई ताप हो गया तो कहाँ पे जाएं? कहाँ से जब निकलने के लिए जगह ही नहीं तो हम लोग क्या करें? यहाँ तक कि हम लोगों ने कलेक्टर भी 3-4 बार यहीं पर आ गए जन सुनवाई के लिए, कोई भी निराकरण नहीं मिला। अब आप लोग ही बताइए कि हम लोग क्या करें? कॉलेज का कोई रिजल्ट नहीं है इसलिए हम तो नहीं जाए, लेकिन हमारे जो जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जैसे 12वीं कोई 11वीं कोई 10वीं, तो वो तो जाने के लिए परेशान है। अगर मेरी तबीयत खराब हो या किसी की भी और रेडी हो गई तो हम लोग कहाँ से जाएं? आप बताइए। हम लोग कम से कम पैसे 100-100 रुपए जोड़ के 20 किलोमीटर से दूर घेर घार के दूसरे गाँव से रास्ते से आए हैं। लोग अब जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं जब वो नहीं निकलने दे तो दूसरे गाँव के कैसे निकलने देंगे? तो यह मार्ग के लिए ये लोग आए थे जो प्राइवेट जमीन पे थी, जिसपे जो है भूमि स्वामी की सिविल कोर्ट में जीत हो चुकी है और भूमि स्वामी ने मना कर दिया। अल्टरनेट रूट उपलब्ध है, वो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए लोगों को ये मांग है कि शॉर्टकट रूट हमको दिया जाए। ठीक है, प्रशासन जो है तत्काल के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो उपलब्ध है उसको ठीक कराएगी। और शॉर्टकट रूट तो मिल नहीं सकती क्योंकि भूमि स्वामी ने बंद कर दिया और भूमि स्वामी से सिविल कोर्ट में उसकी जीत हो गई है।